यहाँ पे जो है कितना विकास हुआ है विकास? विकास का... का नाम पर कुछ भी नहीं हुआ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ हम लोग को ठग करके चले गए गिरजार सिंह जबकि हम पुल बना देंगे उनका गमची यहाँ रखा हुआ है हम पुल बना देंगे लेकिन हमको कहना है जब तक तो पुल नहीं तो वोट नहीं लाटक के जाते हैं दिक्कत होता है बहुत नट अपने स्कूल में लेट हो जाता है तो सर बहुत मारते हैं यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है सब बोल कर जाता है वोट वोट दीजिए दीजिए लेकिन हम लोग वोट देते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता नहीं, है। जब हमको पूल तो, देंगे, नहीं तो नहीं देंगे नमस्कार बेगूसराय में आपका स्वागत है हम अभी पहुँचे हैं बछवाड़ा विधानसभा के चिड़िया गाँव में जहाँ एक मुद्दा जोरों से उठ रहा था की पुल का निर्माण चूंकि अभी जो है बेगूसराय की टीम हर एक जगह जाके चुनाव का पब्लिक पोल कर रही है कि जनता की क्या राय है इस चुनाव में क्या उनके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है क्या मांग है तो वही लेकर के हम अभी पहुंचे बछवाड़ा विधानसभा के चेरिया गांव में जहां पे पुल का मुद्दा उठ रहा था और कुछ ग्रामीण भी यहां जुटे हैं जो बताएंगे कि आखिर यहां कितना विकास हुआ है और क्या जो है विकास चाहते हैं यहां पे सबसे पहले बाबा आप, आप आपका नामती यहाँ पे जो है कितना विकास हुआ है विकास? विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ हम लोग को ठग करके चले गए गिरिराज सिंह जबकि हम पुल बना देंगे उनका गमची यहाँ रखा हुआ है हम पुल बना देंगे लेकिन हमको कहना है जब तक पुल नहीं तो वोट नहीं।, नहीं।, नहीं मैं आपको बता दूं की बेगूसराय के सांसद महोदय जो हैं गिरिराज सिंह उन्होंने जब अपना चुनाव का समय उनका था तो वो यहाँ आए थे और ग्रामीणों के द्वारा उनको अंग वस्त्र दिया गया था उन्होंने उस अंग वस्त्र को पुनः ग्रामीण को दे दिया और बोले कि हम जो है पुल लेके आएंगे तब जो है अंग वस्त्र लेके जाएंगे लेकिन वो अंग वस्त्र अभी तक रखा हुआ है अभी तक जो है माननीय सांसद महोदय अभी तक इस गांव में फिर दोबारा कदम नहीं रखे हैं जनता के बीच में कभी ऐबे नहीं किए जीतने के बाद कभी भेटे नहीं किए हम लोग से हाँ पुल का तो मुद्दा है मैंने पुल मैंने कह करके गए लेकिन छुपे हुए अभी तक अच्छा आपके जो स्थानीय जो विधायक है वो आते हैं कौन है वो भी नहीं आ रहे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, नहीं नहीं हैं। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ अभी तो नीतीश कुमार के द्वारा कहा जा रहा है हर घर नल जल योजना चल रहा है हर घर नल, नल जल यो, योजना लग गया है मगर जैसा न पानी दिया गया है कि उसका यूज नहीं हो रहा है नहीं होगा पानी नमकीन पानी पानी पीने लायक नहीं है नहीं, नहीं। उनके द्वारा तो कहा जा रहा है बहुत अच्छा पानी कौन बोल रहे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है सब बोल कर जाता है वोट दीजिए वोट दीजिए लेकिन हम लोग वोट देते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है नहीं फिर जो है तीन नवंबर को चुनाव होने वाली है तो इस बार नहीं जब हमको पुल मिलेगा तब वोट देंगे नहीं तो नहीं देंगे पूल, अगर कोई यहाँ पे आते हैं जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि आते हैं कहते हैं से हम जो है पुल बनवा देंगे तो वोट कीजिएगा नहीं वो बोले बनवागा तब वोट देंगे नहीं कैसे होगा सब वोट कर जाता है कि हम वोट बनाएंगे देंगे पुल देंगे लेकिन बनाता कोई नहीं है क्योंकि अभी दस पंद्रह दिन बचा हुआ है चुनाव का तो, जब मिलेगा तब देंगे वोट तो दस पंद्रह दिन में तो पुल बनना संभव नहीं है नहीं नहीं संभव तो है ही नहीं दो महीने ऐसी जाता है कि बनाएंगे क्या विश्वास है बनाएगा या नहीं बनाएगा तो इस बार मतलब चुनाव कीजिएगा ही नहीं नहीं करेंगे नहीं वोट देंगे ही नहीं विकास कुछ भी नहीं हुआ कुछ है तो, भी नहीं हुआ है बिजली नहीं रहता कुछ न बिजली नहीं रहता है पानी जो दिया है वो नल बेकार है पानी वही नमकीन नमकिन आता है कोई ढंग का पानी नहीं आता है कुछ भी नहीं है हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे तो इस बार जो है वोट देना ही नहीं है एकदम तो देना ही नहीं है लेकिन अगर आ, बात करते हैं अभी तो आप लोग जो है काफी आक्रोशित हैं और पुल हाँ। को लेकर के वोट नहीं कीजिएगा हाँ। लेकिन पिछली जो सरकार अभी नीतीश कुमार की सरकार है उन्होंने कितना विकास किया आपके छेले? कुछ भी नहीं किया है सब तो ऐसे बोल कर जा रहा है की हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं विकास हुआ है कहे भी जाता है देश प्रदेश फंसे रहता है उसका कोई ख्याल नहीं रहता नीतीश कुमार क्या कहेगा नीतीश कुमार तो बोल दिया कि जो है दिल्ली में उसको फंसने दो यही रहेगा नीतीश कुमार ने हाँ नीतीश कुमार ने कहा है तो या अभी जो है इंदिरा आवास का भी एक योजना चल रहा है वो नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला है अच्छा ये जो है पुल का जो निर्माण है गिरिराज सिंह जो है बोल के गए थे कि से हम आएंगे पुल को लेके आएंगे तो फिर दोबारा उनसे संपर्क किया गया आप लोगों के द्वारा बहुत बार संपर्क किया गया क्या बोले पटना तक गए लेकिन आश्वासन दे करके कुछ नहीं हुआ अच्छा ये चूंकि एक होता क्या है कि जहाँ ये इन लोगों के द्वारा पुल का जो आवाज उठाया जा रहा है वो दो विधानसभा के बीच पड़ता है एक चेरिया बरियारपुर दूसरा बछवाड़ा विधानसभा और कहीं ना कहीं यही पेज फंस के रह जाता है कि दोनों विधानसभा के अंतर्गत ये पेज फंसा हुआ है और पुल नहीं बन पा रहा है तो आप लोगों के द्वारा कही चिड़ियापुर के, के जो क्षेत्र के जो विधायिका है वो मंत्री भी रह चुके हैं मंत्री तो उनके पास गए थे आप लोग सबके पास गए क्या बोले वो लेकिन हमारे गांव का पुल उठा करके वो अपने मन से जना विक्रमपुर ले गए यही पुल का मंजू मंजू वर्मा जी वो अपने क्षेत्र में बनवा रहे हैं नहीं यहाँ तो सुनने में सोयल टेस्ट भी किया गया है सब कुछ हो चुका है सॉयल टेस्ट होने के बावजूद भी यहाँ का पुल उठा करके मंजू वर्मा ले गई अपने ससुराल उनका ससुराल पड़ता है हाँ इस पर गड़ा पड़ता है नहीं नहीं यार नहीं यार नहीं यार इस पर नहीं है और उस पर ससुराल तो अपने नैहर और सार को जोड़ने के लिए पुल अच्छा इस पुल के मुद्दे को आप लोग जो है अपने जो विधायक होंगे यहाँ के जो विधायक हैं उनके पास गए थे अपने विधायक रामदेव के पास हो गए जी उनके तो 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 यहाँ भी गया लेकिन भी नहीं आए घूर के भी भुर तो, भुर तो नहीं आए वो भी यहाँ दावा देकर गए थे हम जीतेंगे आपका पुल देंगे लेकिन माने जीतने के बाद कभी दर्शनो नहीं हुआ तो अभी अभी तो वो वर्तमान में नहीं वो तो मर गए उमर गए तो अभी जैसे कोई अगर यहाँ आते हैं चूंकि चुनाव का समय है तीन नवंबर को चुनाव होने वाली है तो अभी अगर कोई आते हैं आपको आश्वासन देते हैं तो किनको वोट कीजिएगा देखिए जो आदमी हमको पुल बना कर गचेगा जैकि हम पुल बना देंगे पंचवर्षीय जो कैसे कैसे गचेगा कैसे आप मानिएगा कि हाँ ये जो है वो लिखित देंगे हम लिख करके जाते हैं आपको पुल बनाएंगे हाँ जब तक पुल नहीं बनाएंगे हम लोग जान उनको नहीं छोड़ेंगे आप वोटे नहीं देंगे फिर पंचवर्षीय जोड़ना आएगा ना फिर बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोग के द्वारा कहा गया कि यहाँ का जो ये मुद्दा जो है पुल का वो कोर्ट में भी उठाया गया था क्या? हाँ ये 2002 से दो ही से मुद्दा उठा हुआ है तो ये पुल का। इसमें तो हम सबसे भागीदारी देते हैं मंजू वर्मा जो मंजू वर्मा मंत्री रह चुकी है उसके बावजूद वो पुल चेरिया पुल नहीं होने दी है क्योंकि वो राजनीति करती है चेरिया के नाम पर और जो ये धर्मपुर जो है कभी कहती है धर्मपुर बन जाएगा कभी उधर बन जाएगा कभी इधर बन जाएगा लेकिन वो नहीं, नहीं। आपके जो विधायक हैं, सबसे मुख्य मुद्दा तो आपके विधायक जिनका ये क्षेत्र पड़ता है उनसे ना आप विकास का उम्मीद कीजिएगा तो उनके द्वारा क्या किया उनके द्वारा ही आश्वासन दे दिया गया था की आपका पुल बनेगा लेकिन रात गई और बात गई इलेक्शन आई और फिर इलेक्शन चली गई फिर पांच बार अभी तो आ रहा है अभी चुनाव आ रहा है इसीलिए कह रहे हैं तो वोट देगा ही नहीं कोई मेरे गांव से एक भी वोट नहीं जाएगा किसी को इस, इस बार अगला साल वोट मिलेगा पंचवर्षीय में इस बार वोट नहीं दिया नहीं इस बार सबसे बेहतर हम लोग के लिए उपाय हुआ की इस साल हम लोग कोई वोट करे ही नहीं ठीक ये ये जो रखे हुए ये क्या ये अंग वस्त्र है किसका राज बाबू का हम अपने पास रखे हुए हैं अभी फिलहाल इसको जा रहे हैं ये आपको देखे गए थे जी नहीं ये मंदिर को दिया गया था मंदिर पर रखा गया था इसको जा रहे हैं मंदिर पर इसको बढ़िया से चार कांटी मार के टांग दिया जाएगा गिरिराज सिंह के नाम लिख के क्या उनके द्वारा क्या कहा गया था ये थोड़ा ये अंग वस्त्र को देके कहा गया था कि जब तक हम पुल नहीं बनाते हैं ये अंग वस्त्र जो आप ग्रामीण द्वारा दिया गया है हम नहीं लेके जाएंगे और यहाँ चेरिया में ही पड़ा हुआ है लगभग उनके कार्यकाल का तीन साल होने चला है अभी तक नहीं आए अभी तक वापस आए भी नहीं हम लोग उनसे मिलने की बहुत कोशिश की मगर बहुत हद तक

तो अभी जैसे है कि यहाँ से जो है आप यहाँ पे जो भी युवा हैं जो पढ़ने जाते हैं दूसरे तो यहाँ से टप के आप लोग चेरिया बरियारपुर जाते हो हाँ जो हाई स्कूल है हम लोग का चेरिया बरियारपुर पढ़ता है और लगभग अठवाँ के बाद हम लोग को आठवीं के बाद पढ़ने के लिए चेरिया बरियारपुर या फिर मंजौल या फिर बेगूसराय की ओर रुख करना पड़ता है ठीक उसके लिए अगर जो चेरिया बरियारपुर में यहाँ छात्र छात्राएँ जो भी हैं हाँ में बिरारैसे नाम लिखाती है या मंझौल नाम लिखाती है तो उनको नाव टपके प्राय पार करना ही पड़ता है तो इस क्षेत्र में जो है कितना विकास किया गया नीतीश कुमार के द्वारा नीतीश कुमार का क्या विकास करिएगा पानी चाहिए पानी का सप्लाई मिला है पर जलस्तर सही नहीं है उस कारण से नमकीन पानी है अगर जो हम लोग अपना खेत कल्याण को देखें तो पूरा पानी से लबालब भरा है अगर जो गेहूँ चावल जो भी कहें सारा चीज़ डूबा हुआ है कोई खेती का कोई अथी ही नहीं है स्रोत ही नहीं है बाकी और क्या कहिएगा बिजली का व्यवस्था कोई खास नहीं है कभी आती है कभी दो सौ चालीस कभी एक सौ तिहत्तर एक सौ सत्तर के आसपास वोल्ट रहती है जबकि एक औसतन घर में दो सौ चालीस का सप्लाई चाहिए तब जाके बिजली बल्ब हो या फिर कोई भी सामान चलती है मगर मुश्किल से एक सौ सत्तर एक सौ बहत्तर वो भी कभी कभार दो तीन फेज वही पुल के नदी के कारण इतना चौला हो गया जलस्तर कि नदी के कारण वो बिजली का सप्लाई कभी बीच से तार टूटने से या फिर कोई पेड़ पानी में बह जाता है उस कारण से टूट के वो महीना दो महीना मतलब बिजली भी का भी चिकित्सा जो, तो अच्छा तो इस, इस जो है बेसिकली यहाँ पर जो लोकल है ठीक है जिनके पास थोड़ी मोड़ी नॉलेज है वो अपने बेसिक दवाई जैसे थोड़ी मोड़ी मदद कर रहे हैं मगर अगर जो किसी को सर्वदंस हो गया या फिर कोई वैसा

अब नहीं होने के कारण हम लोग को वहाँ टपना ही पड़ता है अच्छा बात करते हैं हम शिक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पे कुछ जो है युवा हैं जो नाव टप के दूसरे जगह जाते हैं उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर वो किस प्रकार अपने जो है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं उसके सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका अभिषेक कुमार किस क्लास में पढ़ते हैं नाइन्थ कौन से स्कूल में खंजापुर स्कूल खंजापुर में ये तो चेरिया है न तो आप लोग कैसे जाते हैं खंजापुर नाव टप के जाते हैं दिक्कत होता है बहुत स्कूल में लेट हो जाता है तो सर बहुत मारते, मारते हैं? जी आ, टाइमली मारते है ना मिलता है पर डे कभी, कभी नहीं मिलता है, कभी -कभी मिल जाता है। तो वही नहीं मिलने के कारण लेट होता है जी तो आप लोग को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो आप लोग के मन में क्या है कि इस बार पुल बनना चाहिए जी बनना चाहिए जरूर बनना चाहिए तो ये जो है ये यहाँ बछवाड़ा विधानसभा के चेरिया गांव का ये युवक है और ये एक विधानसभा सभा को तरफ के दूसरे विधानसभा चेरिया विधानसभा में जाके अपने शिक्षा को ग्रहण करता है और अगर किसी कारण नाव नहीं मिलने के कारण लेट हो जाता है तो टीचर जो है वहाँ पे इसको पीटते भी हैं कि आखिर क्यों लेट हुआ तो ये कठिनाई है और कहना है कि नहीं पुल बनना चाहिए तो पुल जो है कहीं ना कहीं बीच में अटका हुआ ठीक है तो अभी जो है चुनाव का समय है और अभी हर एक जो है नेता जो है मंत्री जो है अपने हिसाब से जनता को अपने ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं तो इस बार अगर कोई नेता मंत्री आपके गांव में अभी दौरा हुआ है कि नहीं का अभी तक एक गरीब दास हैं उनका दौरा हुआ है जो कि श्री स्वर्गीय रामदेव राय जी के पुत्र हैं और उन्होंने दौरा किया है उसके अलावा किन्हीं का दौरा नहीं हुआ। तो वो जो दौरा किए चूंकि वो पहले जो विधायक थे उन्हीं के

कि अगर पुल नहीं बनेगा तो वो लो लोग वोट नहीं देंगे बाबा इस बार किसको वोट दीजिएगा पुल बन जाएगा तो वोट देंगे किसको आगर अगर पुल बन जाता है तो जो बनाएगा अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा किनको देखना चाहते हैं जो आजकल है अभी नीतीश कुमार जी से नीतीश कुमार के कार्यकाल से खुश हैं जी हाँ अभी जो है नल जल योजना का चल रहा है तो आप लोग के आपके घर में नल जल योजना का आया जी नहीं ठीक नहीं हुआ है नहीं हुआ है नहीं नहीं कहा तो गया है कि सब जगह सप्लाई हो गया ये, ये, ये आया आया। आया। यहाँ पे जो है शिक्षा व्यवस्था कैसी है पढ़ाई का चल रहा कुछ के कुछ चाल से मतलब सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं, नहीं चल रहा नहीं चल रहा है लेकिन उनके कार्यकाल से आप खुश है कैसे खुश रहेंगे जब ठीक नहीं आपके आप आप बोले किसे नहीं उनका मुख्यमंत्री का चेहरा हम उन्हीं को देखना चाहते कोई दूसरा विकल्प नहीं है कोई दूसरा रास्ता नहीं है रास्ता नहीं है जी नहीं तो जैसा कि अभी बताए बाबा ने कि इसे हम मुख्यमंत्री का चेहरा जो है एक ही मेरे पास ऑप्शन नहीं है जिसके कारण हम दूसरे को देखना भी नहीं चाहते और अ, मेरा मजबूरी भी है जिसके कारण हम उन्हीं को देखना चाहते हैं तो ये सब जो मुद्दा है ये ग्रामीणों के द्वारा उठाया गया और बोला जा रहा है कि इस बार अगर पुल नहीं बनता है तो वोट का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा अगर कोई आश्वासन देने के लिए आते हैं तो उनसे लिखित आश्वासन लिया जाएगा चूँकि बहुत सारे नेता बहुत सारे सांसद महोदय भी आए वादे करके चले गए और वादे जो होते हैं वो सिर्फ चुनाव के समय ही होते हैं ये ऐसा इनका कहना है तो इस बार जो है वादा से काम नहीं चलेगा जो भी होगा वो लिखित देना होगा और धरातल पे काम होगा तभी जाके हम लोग जो है चुनाव करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे आप लोग बने रहिए दा बेगूसाए के साथ धन्यवाद